हैप्पी होली गाइस। सो होली है एंड आज मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ कुछ सामान लाने, तो उसके बाद मैं करूँगी पूजा। एक्चुअली वो अबीर वगैरह था नहीं घर पे, लेके नहीं आए थे हम लोग पहले से, तो वो लेने जा रही हूँ मैं अभी। और ये रही चीकू एंड ऑल, जिसको नहाना है। डुगू एंड ऑल ये है, वहाँ है। ओ यू हैड अ बम, 20 लो। सो चलो मैं सामान वगैरह ले आती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनेगा हमारा खाना पीना। चीकू नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी किचन में डुगू को सुलाने के बाद, एंड ऑल सेट टू मेक आज का ब्यूटीफुल सा खाना। आई कैन से ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले मैं अपने बालों को ऐसे ऊपर टाई करूँगी, दैट्स द बेस्ट वे। So I'll start the cooking. The first thing is मुझे दही वड़ा बनाना है, इसके लिए मैंने दाल भी बो लिया है। सो अब मैं इसे फटाफट से ग्राइंड करूँगी और सबसे पहले दही वड़ा बनेगा, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद मालपुआ बनाऊँगी, उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी और फिर राइस ऑफकोर्स, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है। सो वो राइस तो खाएंगे ही, सो थोड़ा सा राइस उनके लिए। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज बहुत सारा काम है एंड बेबी स्लीपिंग, सो आई हैव अराउंड 1.5 आवर्स, और उस बीच में मुझे सब बना के आई हैव टू मेक श्योर कि मैं किचन से निकल जाऊँ, बिकॉज टुडे इज होली। सो बच्चों को भी टाइम देना है, उनके साथ खेलना है, इट्स डुगूस फर्स्ट होली, सो ऑफकोर्स उसे रेडी करना है, चीकू को रेडी करना। हालांकि अभी बच्चे नहाए नहीं हैं, रंजन साथ ही साथ नहलाएंगे, सो इससे पहले कि रंजन नहा ले मैं सारा खाना बना के रख दूंगी, तो फिर हम लोग एक साथ मिलके खा लेंगे एंड देन वी प्ले होली। सो आई एम स्टिल इन द किचन एंड मेरा दही वड़ा बन गया है। मैंने यहाँ पूड़ी के लिए आटा भी गूंथ लिया है, उसके बाद आई हैव दिस सब्जी में मैंने बनाया है आलू पनीर एंड गोभी मिक्स, सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन। एंड आई हैव द बैटर रेडी फॉर मालपुआ, आई हैव मेड सम राइस, सब मैंने प्लेन राइस बनाया है। पूरी खाने के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग वो ले लेंगे। एंड ऑल्सो आई हैव दिस यम्मी दही वड़ा। सो सब बन के तैयार है ऑलमोस्ट, अब मैं फटाफट से मालपुए बना लूँगी, उसके बाद पूड़ी हम लोग खाते वक्त बना लेंगे एंड विल हैव इट, एंड उसके बाद हम लोग खेलेंगे होली। सो दैट्स द अपडेट। सो फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग कि मैंने ये बैटर में क्या क्या डाला होगा, मैंने इसमें डाला है सबसे पहले मैदा, उसके बाद मिल्क, उसके बाद है सम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाला है किशमिश, ड्राई कोकोनट, बादाम और उसके बाद काजू, और मैंने उसमें सौंफ डाला है थोड़ा सा, एंड चीनी और 2 केला डाला है और उसको अच्छे से मिला लिया है। एंड कंसिस्टेंसी इसका कुछ ऐसा है, तो इससे क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छे से बनेगा ये, सो इसका कंसिस्टेंसी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई मालपुआ नाउ। एंड देन वन बेबी इज़ रेडी, दी अदर वन इज़ येट टू टेक बाथ, सो गो चीकू, इट्स योर नाउ नाउ टाइम, गो 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 हाइडिंग। ये ना नहाते वक्त ऐसे करती है, जाओ चीकू गो। वो लेडी हो गया, वाओ डुगू यू लुक क्यूट, ओ यू लुक क्यूट डुगू। यानी बाबा से हाय, हाय बोल, हाय बोलो, हाय हाय आई वाइल माय डुगू लुक्स क्यूट। चिकू दीदी इज टेकिंग बाथ, मम्मा बना रही है मालपुआ, सो सिट फॉर सम टाइम डुगू। सो फाइनली आई एम डन विथ माई कुकिंग फॉर द डे एंड अब थोड़ी देर में हम लोग खा लेंगे। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ रंजन का, ही इज़ राइट नाउ टेकिंग बाथ एंड माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो कम ओवर, सो हम लोग अपना लंच कर लेंगे और उसके बाद फिर होली खेलने जाएंगे नीचे। तो गाइज ये है मेरा लंच आज का, मालपुआ पूड़ी सब्जी और दही वड़े। सो चलिए फिर हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं, फिर होली खेलेंगे होली वाला लंच। ये देखो ये दोनों क्यूटी पाइस सो गए, इट्स गुड दैट टेकिंग रेस्ट। सो इवनिंग हो गई है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई थी अभी घर पे, सो उन्होंने मुझे ऐसा रंग लगा दिया एंड दिन में मेरी एक और फ्रेंड आई थी, बट
उस टाइम में हमने उतना होली खेला नहीं, बस नॉर्मल था। और अब मैं डुगू और चीकू को दे दूँगी, चीकू का मिल्क टाइम, डुगू का स्नैक्स टाइम, सो उन दोनों के लिए सब रेडी कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे मिल्क बॉयल करना है, आज मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैंने मिल्क बॉयल नहीं किया है। सो यू नो आई हैव टू डू इट नाउ, और भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो दिस इज हाउ होली इज गोइंग ऑन। हियर इट इज। सो फाइनल होली हो गया है हमारे, मेरे फ्रेंड्स मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, हमने बहुत अच्छे से धूमधाम से होली मनाया। एंड आप सब मेरे फेस के कलर से देख ही पा रहे हो, हम लोग एक्चुअली रंग वगैरह मतलब प्रेफर नहीं करते हैं अभी जबकि छोटे बच्चे हैं। देन मैं शुरू से ज़्यादा रंग वंग की शौकीन नहीं रही हूँ, मुझे बस ये अभी से खेलना ज़्यादा पसंद है, तो दैट इज़ वॉट आई डू। मैं एकदम वो डाई हार्ट होली खेलने जैसा मैंने कभी नहीं किया। सो हैड लवली टाइम फ्रेंड्स के साथ, बहुत दिन बाद हम लोग कैचअप किए, देन वी हैड दैट चिट चैट, सो यू नो इट वाज द बेस्ट टाइम आई कैन से, वी हैड द बेस्ट मोमेंट। सो उससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है जब यू नो सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होके हंसी मजाक एंड चिट चैट्स एंड गपशप, सो दैट वॉज द बेस्ट टाइम आई कैन से। आई हैड अ लवली डे, हैड अ वेरी फन डे। दिन में मेरी एक फ्रेंड आ गई, वो मेरे साथ पूरे दिन थी। आई हैड अनदर फ्रेंड इन द इवनिंग, जब वो गई तो उसके बाद एक और भी बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, सो इट वॉज लवली। हैड अ लवली डे एंड हैड अ लवली होली आई कैन से, लाइक वन ऑफ द बेस्ट होलीज। सो हैड अ वेरी लवली टाइम। मुझे तो भाई अब क्लीन अप करना है, लाइक इसके फेस को देखो, चीकू भी वो बहुत होली खेली अपने फ्रेंड के साथ एंड मैंने भी काफ़ी होली खेल लिया, सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप एंड चेंज माय ड्रेस आल्सो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और अभी जस्ट मैं सो के उठ रही हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं, सो आई थॉट ओके चलो लेट मी वेक अप एंड यूटिलाइज दिस टाइम टू एडिट द वीडियो और बाकी के घर के काम एंड ऑल। सो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं दूसरे वीडियो के साथ। होप्स आप सब ने भी अपनी होली को बहुत इन्जॉय किया होगा एंड कमेंट करके बताना कैसे आपने इन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ आप सबसे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।